खबर सिरोही से, संपूर्ण भारत में कोरोना रोकथाम के लिए मंत्री से लेकर सहायक कर्मचारी समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता और सजगता से नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन राजस्थान रोडवेज निगम सिरोही के कुछ लापरवाह परिचालक राजस्थान में कोरोना रोगियों को बढ़ावा देने में लगे हों ऐसा प्रतीत हो रहा है। रोडवेज की बस में कुछ परिचालक सावधानी और सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। सिरोही से उदयपुर तथा सिरोही से रेवदर जाने वाली बस में जब संवाददाता ने पहुंचकर उसकी हकीकत जानी तो परिचालक कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते दिखे। परिचालक ने प्रॉपर मास्क भी नहीं पहना था। जब उनको समझाने और यात्रियों ने प्रयत्न किया तो वो झगड़ा करने पर आमादा हुए, साथ ही मारने की धमकी देते दिखे। ऐसी ही स्थिति पिंडवाड़ा के बस स्टैंड पर बनती दिखी। सिरोही केंद्रीय बस स्टैंड पर परिचालक विनोद पॉलीवाल को यात्री के साथ उलझते देखा। निगम के पूछताछ केंद्र पर लगे कार्मिक भी परिचालक की पैरवी करते नजर आए। जब कोई यात्री इनके प्रॉपर मास्क नहीं लगाने का वीडियो बनाने लगेगा तो परिचालक ने कहा, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री गोपाल सिंह राव ने बताया कि कुछ परिचालक कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं। कुछ आगर के परिचालक की लापरवाही सिरोही जिले को भारी पड़ सकती है। इनका व्यवहार महिला और सभ्य यात्रियों के साथ ठीक नहीं होता, जो इन्हें समझाने की कोशिश करता है। राव ने सबको वैक्सीन नहीं आने तक मास्क लगाने को सबसे बड़ी दवाई बताई। राव ने अपील की कि सभी देशवासी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए समस्त गाइडलाइन की पालना करें। नमस्कार, कल मैं उदयपुर से सिरोही की यात्रा कर रही थी। उस दौरान मुझे टुकड़े में यात्रा करना पड़ा और मुझे सिरोही रोड पे उतर के और सिरोही की बस पकड़नी पड़ी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और अंदर ही अंदर एक चीज़ जो कचोट रही थी वो ये थी कि प्रशासन इतना कार्य कर रहा है कोरोना से सुरक्षा के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन जो पिंडवाड़ा सिरोही रोड का बस स्टैंड का जो मैंने मंजर देखा, उसमें जो टिकट काट के दे रहे थे, जस्ट बस खड़ी होते ही उन्होंने टिकट काटना शुरू किया और रोड पे खड़े होकर वो टिकट काट रहे थे और उनके आसपास में इतनी भीड़ मंडरा रही थी और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इतना खतरनाक बीमारी का प्रकोप हमारे देश में चल रहा है और इस तरह से टिकट काटा जा रहा है और खचाखच बस को भरा जा रहा है, तब आप सोचिए कि हम कितने लापरवाह हो गए। अब कंडक्टर को जब मेरे द्वारा कहा गया कि आप सीट पे पहले बिठा लीजिए और अंदर ही बस में टिकट काट दीजिए, तब उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हाँ, मेरे पास कोई पुलिस प्रशासन है क्या, टिकट तो आपको बाहर से ही लाना चाहिए, मैं अंदर नहीं काट के दूंगा, और उनका मास्क भी पूरा प्रॉपर लगा हुआ नहीं था। मेरे द्वारा उनसे बहस भी की गई और मैंने उनसे ये भी कहा कि हम हर एक व्यक्ति को सिपाही का कार्य करना पड़ेगा क्योंकि देश का प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कार्य कर रहा है। क्या हमारा फ़र्ज नहीं है? क्या सिर्फ पुलिसकर्मी ही देश के नागरिक हैं? क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? क्या देश का हित सोचना हमारा फ़र्ज नहीं बनता? क्या सिर्फ प्रशासन का फ़र्ज है? यदि हम लोग जागरूक होंगे तो हम प्रशासन की मदद कर पाएंगे इस महामारी से बचने के लिए, लेकिन यदि हम इस तरह की लापरवाही बरतेंगे, हम पढ़े लिखे होकर, समझदार होकर, यदि हम खुद जागरूकता फैलाने के बजाय हम इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, तो हम लोग सोच लीजिए कि ये आज अगर पराए घर में हैं तो ये महामारी हमारे घर में प्रवेश करने में समय नहीं लगाएगी, क्योंकि हर एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा आ रहा है। आप सोचिए हमारे पूरे देश को संक्रमित होने में कितना टाइम लगेगा यदि हम इस तरह की जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोही राजस्थान से रमेश सुथार की रिपोर्ट। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।